तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। कुछ दिनों पहले एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने इस टॉपिक पे पहले भी बनाई थी एंड वहां पे मैंने आपको कहा था कि मैकइंटायर की सिचुएशन WWE के साथ कुछ सही नहीं चल रही है एंड एक्सपेक्टेड है कि मे बी मैकइंटायर आने वाले टाइम में कंपनी छोड़ सकते हैं। तो उस टाइम तक तो देखो यार 50-50 चांसेस थे, लेकिन बाद में WWE ने ड्राफ्ट किया मैकइंटायर को रॉ में, तो लगा कि सारी चीज़ें सेट हैं। लेकिन अभी मेल्टजर की रिपोर्ट निकल के सामने आई है जो कि बहुत डरा रही है ड्रू मैकइंटायर के फैंस को। एंड एक्चुअली में रिपोर्ट काफ़ी खतरनाक सी तो है भाई मैकइंटायर के फैंस के लिए, मैकइंटायर के फ्यूचर के लिए। रिपोर्ट क्या है, डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैकइंटायर हो चुके हैं ड्राफ्ट रॉ के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एक नई डील साइन कर ली है। इसका मतलब ये है गाइस कि WWE मैकइंटायर के कुछ फाइनल डेज जो है बुक कर रही है, ऐसा मेल्टजर का कहना है। डेव मेल्टजर ने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर में कहा है। तो डेव मेल्टजर कहते हैं कि WWE जो है प्लान कर रही है ड्रू मैकइंटायर को एक फाइनल रन देने के लिए, रन एज अ हील सुपरस्टार चैंपियन के तौर पर नहीं, एज अ हील ड्रू मैकइंटायर चैलेंज करेंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड इसके बाद वो रन देने के बाद, हील रन देने के बाद मैकइंटायर कंपनी छोड़ देंगे, ऐसा कुछ कहना है डेव मेल्टजर का। मेल्टजर का कहना है कि ड्रू मैकइंटायर फाइनल बिल्कुल अपने स्टेप्स पे हैं WWE छोड़ने के लिए एंड वो आपको लीव करते हुए दिखेंगे कंपनी। एग्जैक्ट रीजन इसके पीछे का नहीं पता है एंड अभी तक जो डील फाइनलाइज नहीं हुई है WWE और मैकइंटायर दोनों की तरफ से, कॉन्ट्रैक्ट काफी जल्द खत्म हो जाएगा मैकइंटायर का। तो ऐसे में WWE लीव करते हुए आपको मैकइंटायर देखने को मिल सकते हैं, ऐसा कहना है डेव मेल्टजर का। इसके आगे स्टोरी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं मेल्टजर एंड कहते हैं ट्रिपल एच विल स्टार्ट पुशिंग मोर टैलेंट्स टू द टॉप टू फिल द वॉइड ऑफ अ नंबर ऑफ स्टार्स हु विल सून लीव WWE लेड बाय ड्रू मैकइंटायर। तो यहाँ पे भाई रिपोर्ट का कहना है कि ट्रिपल एच बहुत जल्दी कुछ नए टैलेंट्स को मैसिव पुश देते हुए दिखेंगे। आखिर क्यों, इसके पीछे का रीजन होगा कि ट्रिपल एच को खाली स्पॉट्स भरने होंगे। तो कौन से खाली स्पॉट्स, जो सुपरस्टार्स कंपनी को छोड़ के जाएंगे उन स्पॉट्स को भरने के लिए ट्रिपल एच मैसिव पुश देंगे कुछ न्यू टैलेंट्स को एंड जो सुपरस्टार्स छोड़ के जाएंगे उस चीज़ को लीड करेंगे ड्रू मैकइंटायर। अब ये चीज़ एक्चुअली में सुनकर काफ़ी कंसर्निंग है कि मैकइंटायर ऐसे सीरियसली में कंपनी छोड़ के जाने वाले हैं। तो देख के करेंटली यही लग रहा है कि मैकइंटायर का फ्यूचर कुछ सही नहीं है WWE के अंदर फिलहाल के हिसाब से। गाइस इस वीडियो के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है इसलिए इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो है। तो आप लोग अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर से बताना। मैकइंटायर का फ्यूचर फॉर श्योर डार्क के अंदर है। अगर मैकइंटायर एक नई डील साइन करेंगे तो बेटर होगा उनके फैंस के लिए, उनके फैंस तो यही चाहते हैं। मैकइंटायर आखिर किस रीजन की वजह से कंपनी छोड़ के जाएंगे वो बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन लगता है कि अब मैकइंटायर का समय करीब आ चुका है इस रिपोर्ट को देखने के बाद। बाकी इसको लेके कुछ और अगर पॉजिटिव न्यूज़ भी आएगी तो मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगा। फिलहाल के हिसाब से अभी सारी चीज़ें नेगेटिव हैं एंड मैकइंटायर आपको आगे आने वाले टाइम में लीव करते हुए देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेव मेल्टजर। इस वीडियो के लिए गाइस यही अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में चैनल को आने वाले टाइम में ऐसी WWE न्यूज़ रूमर्स अपडेट्स पाने के लिए फॉलो भी कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, दोनों के लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।